सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के पॉलिटिशियन है, मगर वो अपनी गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करने से नहीं डरते। पॉलिटिक्स में आने से पहले स्वामी IIT दिल्ली में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। 1972 में इंदिरा गांधी की पॉलिसीज को बहुत क्रिटिसाइज किया करते थे, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि IIT दिल्ली ने उनको टर्मिनेट कर दिया और स्टाफ क्वार्टर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, जिसके बाद स्वामी ने IIT दिल्ली पर केस कर दिया और ये केस चला 1972 से 1991 तक। स्वामी केस जीत गए और IIT दिल्ली को उनको वापस रखना पड़ा। इसके बाद स्वामी ने फिर से IIT दिल्ली ज्वाइन किया और एक दिन बाद रेजिग्नेशन दे दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसके बाद में उन्होंने क्लेम किया IIT दिल्ली से कि वो 1972 से लेके 1991 तक उनको उनकी सारी सैलरी वापस दे। इसके बाद IIT दिल्ली ने फिर से उन पर केस कर दिया। ये केस चलता रहा 2019 तक। 2019 में फिर स्वामी केस जीत गए और इस बार कोर्ट ने ये कहा कि सैलरी तो दो ही दो, साथ में सारा का सारा इंटरेस्ट दो उनको 8% की रेट से। ये वही सुब्रमण्यम स्वामी है जिन्होंने 2012 में एक और ऐसा केस किया था जिसके कारण पूरी सोनिया गांधी फैमिली और कांग्रेस पार्टी आज तक हिली हुई है। वो केस का नाम पता है क्या है? कमेंट्स में चेक करो सब्सक्राइब करने के बाद।